मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक वीडियो वायरल हुआ तो लगा कि मध्य प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। आप इस वीडियो में देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सोमवार को एक लड़की का किडनैप पेट्रोल पंप पर हो जाता है। दरअसल सोमवार को ग्वालियर के नाका चंदवानी पेट्रोल स्टेशन के पास एक 19 साल की लड़की को मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने अगवा कर लिया। यह लड़की गुना के एक लॉज से मिली है। इस बात की जानकारी एसएसपी राजेश चंदेल ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक शख्स को लोहार से गिरफ्तार भी किया गया है। सोमवार को यह खबर सामने आई थी कि ग्वालियर में सरेआम एक 19 साल की लड़की को किडनैप कर लिया गया है। दरअसल लड़की बस में सवार होकर अपने परिजनों के साथ सुबह तकरीबन 9:30 बजे झांसी स्थित बस स्टैंड पर उतरी थी। इस दौरान लड़की पास के पेट्रोल पंप पर बच्चे को टॉयलेट कराने के लिए गई थी, लेकिन इसी पेट्रोल पंप पर पहुंचे बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे जबरन उठाया और बाइक पर बिठाकर भाग निकले। लड़की भिंड में असबार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बताई जाती है और सेवड़ा कॉलेज की वह छात्रा है। दोनों आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। जिस समय लड़की को किडनैप किया गया उस समय उसके परिजन बस के से सामान उतार रहे थे और लड़की बच्चे को टॉयलेट कराने के लिए गई थी। इसी बीच बाइक सवार युवकों ने उसे जबरदस्ती उठा लिया और बाइक पर जबरन बैठाकर भाग गए, लेकिन सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों आरोपी फरार है और पुलिस अब पड़ताल में जुट गई है। ये मामला झांसी रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में साफ साफ देखिए कि दिन दहाड़े एक बच्ची को कैसे अगवा कर लिया गया। यह आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते। खबर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39।